और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि काफी लंबे समय से भोजपुरी दर्शक सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म दुल्हन गंगा पार के का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से भोजपुरी दर्शकों को इस फिल्म को देखने के लिए झटका लगा है। आपको बता दें कि दुल्हन गंगा पार के का एक बार फिर से रिलीज डेट आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि यह फिल्म 18 मई से पूरे बिहार और झारखंड के साथ साथ नेपाल के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन आपको बता दें कि अब इस फिल्म को एक हफ्ते आगे शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि अब 25 मई से बिहार और झारखंड के साथ साथ नेपाल के सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। तो यानी खेसारी लाल यादव के दर्शक को एक हफ्ते का इंतजार और करना पड़ेगा। आपको बता दें कि दुल्हन गंगा पार के का ट्रेलर यसी म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया गया है, जिसे भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रेलर में पहली बार खेसारी लाल यादव का बिल्कुल जोरदार अभिनय भोजपुरी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दुल्हन गंगा पार में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव भी अपने अभिनय का जौहर दिखाते हुए नजर आने वाली है। दुल्हन गंगा पार में एक बार फिर से खेसारी लाल यादव अपनी हॉट अदाकारा काजल राधवानी के साथ जोरदार रोमांस करते हुए भोजपुरी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं। साथ ही साथ काजल राधवानी और खेसारी लाल यादव पर फिल्माया हुआ रोमांटिक गाना दर्शकों की जुबान पर अभी से ही सर चढ़कर बोलता है।